जा रहे हैं अपने घर। तो यहाँ आप रास्ते में देख सकते हो कॉलोनी पड़ रही है, और ये शायद से क्या है ये बाबू? चिलगर। ये देख लो चिलगर है। आपको सामने दिखाएंगे कैसा लगता है गाइस, टेंशन मत लेना ठीक है। देख सकते हो गाइस पीछे कॉलोनी दिख रही है सारी। ऐसा क्या है ये सीन इसका गाइस, देख सकते हैं वो रहा उसका गेट, तो शायद हमें अंदर जाने के लिए मना कर देगा, तब पर भी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बाहर से दिखा देंगे ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप गेट दिख रहा है आपको सामने का ठीक है। तो अभी ताला उला लगा पड़ा है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट खुलेगा 11:30 के टाइम पे। तो चलते हैं अब हम घर पे, क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं लगता है ठीक है। तो अब हम गाइस देख सकते हो हमें कोई टेम्पो नहीं मिला है ठीक है, और हम दोनों भाई पैदल जा रहे हैं। बताओ यार कितनी गर्मी है, देख सकते हो धूप ही धूप है, सीधे चेहरे पे धूप पड़ रही है। फिलहाल भी कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे हम क्योंकि इतना पैदल चल लेते हैं। तो देखते गाइस चलो। देख सकते गाइस ये हमारा पुलिस मॉडर्न स्कूल है ठीक है। तो यहाँ हमारे जो पुलिस भाई होते हैं उन्हें यहाँ ट्रेनिंग मिलती है सबसे पहले यहीं आके वो ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो शायद से पुलिस बनते हैं, सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद पुलिस में कहीं उनकी नौकरी का कुछ होता है। देख सकते हैं कितना गाइस बहुत बड़ा है यार ये, अंदर से देखो वहाँ पुलिस भाई बैठ रखे अपने, पर दिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत दूर हूँ मैं ठीक है। बहुत बड़ा स्कूल है ये, देख सकते हो जैसे कि आप दिख रहा है आपको। तो गाइस जैसा देख सकते हैं आप, कोई आराम से पहुंच गए हम पुलिस मॉडर्न के स्कूल के सामने। देख लो ये हमारा है पुलिस लाइन, बट इटावा की पुलिस लाइन है ठीक है। देख सकते हो यहाँ सीधे हम चल रहे हैं, और हम जा रहे हैं छोटे भाई के घर पे ठीक है। भाई हमारा बोला था भाई चलो यार घर पे, यार तुम भी घूम लो, बड़े भैया घर पे तो गए, मेरे घर पे भी आओ कभी। तो हम आज जा रहे हैं छोटे भाई के रूम पे घूमने ठीक है। भाई ने बोल रखी थी कि मैं यार बड़े दिन बाद आया ना यहाँ दिल्ली से, तो मेरे को भी घूमना है, बट मेरे यहाँ मेरे घर पे कोई दोस्त नहीं है यार, इतनी बुरी बात पता है आपको, कोई भी दोस्त नहीं है, एक जिसे कहते हैं एक दोस्त बस, ये है वो बड़ा भाई है और एक और मेरा भाई है बस, ये तीन दोस्त हैं मेरे, इन्हीं को मैं जानता हूँ, इनके साथ रहता हूँ, और कोई सा नहीं है भाई। देख लो यार कैसे हम, यानी कि ये भी शायद पुलिस थाना है, महिला पुलिस थाना ठीक है। ये अपनी पुलिस लाइन ही चल रही जब से ठीक है। देख लीजिए कितना मस्त बना हुआ है पुलिस थाना ठीक है। तो आप चलते रहिए खुद गाइस, ये हमारे देश के कर्मचारी हैं, साफ सफाई चल रही है यहाँ पे धनाके से ठीक है। बढ़िया अच्छी बात करते हैं यार, ये भारत स्वच्छ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ये मोदी जी के कहने पर कायम है। तो यार जाते क्या करेंगे बताओ? जाकर अब हम आराम से बैठेंगे, पहले तो पानी यानी पियेंगे, गर्मी यार बहुत हो रही है भाई। और क्या, सही कह रहा है जैसा हमारे, थोड़ा सा पता नहीं क्या ये चीज़ है, अजीब सी है, बट इसमें कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा जो वाहन होता है वो नहीं निकल पाता है, और जब ज़्यादा बड़ा वाहन नहीं निकलेगा तो क्या फ़ायदा इस रोड का यार, बहुत छोटे बोलते हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे वाहन जाते हैं बस। देख सकते हैं हमारे पीछे ये है ना। चलो यार बस थोड़ी दूर और रहेगा भाई, अगर यार पहुँचने वाले हम सफ़र भी, चलो हम तुम्हें घुमाते हुए लेके जाएंगे गाइस, टेंशन मत लेना, ये बहुत बड़ी जगह है यार इटावा। यार कितना बड़ा बड़ा आ रहा हूँ यार, बहुत बड़ा है सही में गाइस। देख सकते पीछे टंकी दिख रही है आपको, टंकी के पीछे यहाँ कितना बड़ा बहुत पुराना गाइस बर्गर का पेड़ है, ये पता नहीं कितने सालों से होगा यहाँ पे, कुछ पता नहीं है ठीक है। और वो देखिए टंकी दिख रही है ना जो, इतनी पुरानी होगी
कम से कम नहीं तो 6-7 साल या उससे भी अधिक से पुरानी हो सकती है। बट ये पेड़ तो मेरे को बहुत पुराना लग रहा है गाइस, देख सकते हैं हम इसी छांव में चल रहे हैं, देख लीजिए। और आपको ऐसे पेड़ कंपनी गार्डन में मिलेंगे। चलो भाई कह रहा है कंपनी गार्डन घुमाएंगे तुम आपको, हम कंपनी गार्डन भी घुमा लेंगे, ठीक है। बट गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ, न्यू वीडियो पहले, और बेल आइकन दबाओ, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो यार। भाई यानी कि मेरे भाई का यार चैनल चल नहीं पाता यार, थोड़ी यार तुम लोग भी मेहनत कर लो यार। गाइस हम वीडियो तुम्हारे लिए कितनी धूप में, देख सकते हो आप कितनी धूप हो रही है, और हम वीडियो तुम्हारे लिए बना रहे हैं यार, ब्लॉग कर रहे हैं तुम्हारे लिए यार। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो यार। गाइस यानी कि पूरी फैला दो हमारे भाई का यार, बस मोनेटाइज करवा दो चैनल यार, ठीक है गाइस। पता नहीं सोच रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे भाई बहुत सारे स्कूल ही स्कूल है, देख सकते हो वहाँ से वहाँ तक स्टार्टिंग हुई लाइन वहाँ से। और हाँ हमारे यहाँ एक खास और बात है, हमारे यहाँ चर्च भी है गाइस। चर्च के अंदर तो हमें नहीं जान देता है, बट बाहर से देखिए आप कितनी शानदार चर्च है ये, ठीक है। जब क्रिसमस डे आता है उस दिन देखते हैं चर्च को कैसे लगती है, एकदम मस्त, ठीक है। तो गाइस हम तुम्हें चलते हैं, एक और जगह है यहाँ पे, बट वो थोड़ी आ गई है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, चलते वहीं पे। यहाँ पर देख सकते हैं हाईवे है बहुत बड़ा, ठीक है। देख लो गाइस लिखा है इटावा नगर में अनुभव होते ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धीमी चलाए गाड़ी, ये लिख रहा है। अरे वो तो यार यहाँ पे नहीं। सो गाइस उस साइड चलते ना, देख कर चलना बट, ठीक है। चलो यार गाइस ना यार वीडियो तो आप लोग देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, यार तुम्हारे सपोर्ट से तो हम चल पाएंगे वरना यार कहाँ, ठीक है गाइस। आप वो जगह भी हम आपको घुमाने वाले, ठीक है। तो गाइस उसके अंदर तो हमें जाने देगा, वो तो हमारा बहुत बड़ा सा गार्डन है, वहाँ घूमते हैं, बताते हैं बहुत बड़ा गार्डन अंदर से। मैं तो यार सेकंड बार जा रहा हूँ यहाँ, बट गार्डन में उस गार्डन में कभी नहीं गया हूँ, और गार्डन में सोच रहा हूँ कि आज जाऊँ, पर देखते हैं जाने देगा या नहीं, ठीक है। क्या पता इनकी कुछ हो जाए नहीं, क्योंकि इतनी दूर से तो हम गाइस आ रहे, देख सकते धूप में यार कितनी धूप है। कल पता गाइस इन्हें हमने धूप में घुमाया ना, तो इनकी हालत होती ख़राब, इन्हें कल इन्हें चक्कर ऊपर आने लगे थे ना, तो हमने सोचा यार इन्हें ज़्यादा घुमाया नहीं तो इन्हें सुला दिया जाते ही। फिर ये ठीक हुए सुबह, कह रहे फिर हम पैदल जाएंगे, और जाते ही घर पे ना पड़ जाए, हम तो ये सोच रहे हैं इनके बारे में, ठीक है गाइस। अब बस थोड़ी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है, और ये आ गया हमारा एक बड़ा सा गार्डन, ये है हमारा गार्डन, ठीक है गाइस। गाइस गार्डन के एकदम अंदर चलेंगे अब तो, यहाँ गाइस कोई नहीं है, देख ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। देख लो गाइस कितने बड़े बड़े पेड़ है गाइस यार, बहुत शानदार। और अंदर चले इसके, चलो अंदर। अरे यार थोड़ा चलते हैं, घर जाना है। देखो हम अंदर चलते हैं, कोई नहीं है, घर तो चल ही लेंगे, घूमते हैं, ठीक है गाइस। चलो अब देखते हैं यहाँ क्या कैसा होता है यार, कोई मना ना कर दे बस, मुझे दिक्कत आ रही है गाइस। गार्डन तो बड़ा सही है, ठीक है। देखो गार्डन तो बड़ा बढ़िया है, जैसे मस्त एकदम कुर्सी वर्सी लगा रखी है, देख सकते हो वहाँ एक अंकल लेटे हुए, आंटी बैठी हुई है, ऐसे यार बहुत सही है ये, ठीक है, मस्त एकदम है। देखो देख सकते हो पूरा लुक दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है।
लो आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पर गाइस बताते हैं कि शाम के 7 बजे, 5 बजे से स्टार्ट होता है, 7 बजे खुलता है, और सुबह सुबह कितने टाइम से स्टार्ट हो जाता है? सुबह 6 बजे। और बंद कितने टाइम होता है? 8 बजे। तो यार यहाँ पर तो अभी टाइम हो रहा है हमारा कंप्लीट। सो गाइस यहाँ पर हमारे बंदा देख सकते हैं कितने सारे तो स्कूल है। पहले तो देख लो पीछे से लेके वहाँ से उस लाइन तक स्कूल स्कूल है। तो गाइस हमारा चर्च गाइस यहाँ बच्चों के देख सकते हैं, झूले वूले सब कुछ लगा है यार, यानी कि पूरी सुविधा दे रहे हैं। ठीक है देख लो गाइस बहुत बड़ा पार्क है यार। हम पता अंदर वहाँ जो बैनर लग रहा है वो दिखाते हैं आराम से तुम्हें। ये बैनर लगा है यहाँ से जाने से मना कर रहा है हमें, कह रहा है इसका टाइम अप हो चुका है, अब अंदर जाने से मना पता नहीं क्यों कर रहा है, बोल रहा है रहना तो यहीं रहिए बाहर मत जाइए। ठीक है तो गाइस अब हमें मना कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है वो हम नहीं जानते। ठीक है वहाँ देख सकते गाइस एक लौंडिया बैठी है, इसके साथ हम सोच रहे प्रैंक करने की, बट यार हमें चप्पल नहीं खानी है। ठीक है तो हम गाइस चलते ही है, छोड़ो प्रैंक व्रैंक हो गया बहुत। हमने आपको ब्लॉग यार चैनल बताया था, ब्लॉग ही कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रैंक हमारे बस की तो है नहीं, प्रैंक हम करेंगे हमारा खुद ही प्रैंक बन जाएगा यार। तो गाइस कैसा लगा था आपको बता सकते हैं आप हमें कमेंट करके। ठीक है अंदर कैसा लगा कैसा नहीं लगा गाइस? यहाँ मधुमक्खी का छत्ता भी था, बहुत बड़ा था यार। मैं पहले बहुत बड़े छत्ते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पहले आया था। देखो वो देखो वो रहे वो उधर साइड में गाइस, देखो उधर साइड में, बट हाथ वहाँ पहुँच नहीं पाया यार। चलो कोई नहीं चलते यार भाई घर पे, लेट भी हो जाएंगे हम फिर क्या फ़ायदा। मैंने कहा कि मैंने क्या कहा था, नहीं चलो यार अब चलो थको बस यार, दर्द हो रही है टांगों में। कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा दूर रह गया यार, चलो गाइस देख सकते हैं थक चुके हैं, मुझे पता था ये थकेंगे, ये चल तो रहे थे बड़े स्टाइल से। यार क्या करें यार गाइस, हम लोग बहुत दूर से आए हैं इसलिए हमें दर्द हो रहा है अभी, बट तभी भी हम लोग चलते रहेंगे घर। यार गाइस तुम्हारे लिए पूरी ब्लॉग बनाएंगे, टेंशन मत लो यार, बस यार तुम भी सपोर्ट करो थोड़ा। हम मैं बस तुमसे एक यही बात कहूँगा, लाइक करो फॉलो करो कमेंट करो, और एक और बात सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना यार। एक सब्सक्राइब तुम्हारा हमें उठा सकता है और गिरा भी सकता है। ठीक है गाइस गाइस इसलिए थोड़ा यार कृपया बनाए रखे इस भाई पे भी। ठीक है यार देख सकते हो आप गाइस, एक चीज दिख तो रही है पीछे से, वो देखो चर्च दिख रहा है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, धूप पड़ रही है ना मुँह पे इसलिए नहीं दिख पा। देखो दिखा था गाइस, वो देख लो अभी भी दिख रहा है। क्रिश्चियन लोगों का तो गाइस क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो इस चीज़ों को बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे भी नहीं, थोड़े बहुत ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादा हिंदू ही लोग हैं और मोमडन भी हैं थोड़े बहुत। ठीक है चलो गाइस अब थोड़ा मिला के गाइस हमारे यहाँ सब हैं, लोग हैं ईसाई भी हैं, हमारी बुआ ईसाई हैं, आप देख सकते हो तुम जो घर पे थी हमारे, वो हमारी बुआ ईसाई है, हरियाणा सिख है, पंजाबी। तो गाइस अब थोड़ा दूर और रह गए इनके घर से, पता गाइस इनके घर पे जाने से पहले हमें मौत के मुंह से गुजरना पड़ता है, यानी कि मौत का मुंह क्या हो गया, ट्रेन की पटरी। ठीक है उसमें पता नहीं होता गाइस कब ट्रेन आ जाए या नहीं आए, कब पैर तुम्हारा फंस जाएगा, उसमें एक डर भी रहता है पैर फंस गया तुम गए फिर तो वो मौत का मुंह है। ये गाइस अब देखते यार कैसा लगता हुआ, क्योंकि मैं कल आया था ना तो मैं नीचे से होते हुए गया था, तो आज ये भाई पैदल लेके आया मुझे तो ऊपर से लेके आ रहे हैं। तो गाइस वो भी चीज़ दिखाएंगे हम तुम्हें, कल हम सीधे रोड से निकले थे तो हमें ये दिखी नहीं थी मौत का मुंह, आज दिखा है तो आज इससे हम चलते ही हैं, होगा वो देखा जाएगा। चलो गाइस तुम्हारे लिए कुछ भी यार कर लेंगे, चलो गाइस ये देख सकते हैं रहा मौत का मुंह।
तो यार ये कुछ डरावना लग नहीं रहा है, ये बताते हैं यहाँ भूत ऊत भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यार गाइस, तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई भूतों पर विश्वास नहीं करता अब। हाँ पहले मेरा पैंट गीला होता था एक दो बार भूत का नाम सुन के, पर अब नहीं होता है। ठीक है क्या करें भाई, ये ब्लॉगर बनने। ठीक है ये देख लो गाइस, यार भाई के फैन यार बोल रहे ब्लॉग कर रहे हो क्या आप, हमने कहा भाई ब्लॉग ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। भाई अब इतनी दूर से आए हैं तो पानी तो यार पीना बनता है गाइस, यहाँ कुछ ऐसा कुछ लिख रहा है शीतल जल, तो देखते यार कितना शीतल है ये। ठीक है तो यार गाइस यहाँ पर ठंडा पानी आता है नमकीन, कह रहे हैं शीतल जल है भाई, अपना घर तो थोड़ा दूर और रह गया। वो देखो भैंस बैठ रखी है ना उधर, तो वहीं है हमारा घर। ठीक है गाइस, गाइस यार उसमें तो बहुत ठंडा पानी था यार, अपने फ्रीज जो होता है ना उसको यार उस शीतल जल ने फेल कर दिया यार, बहुत ठंडा पानी, मैं तो सोच रहा गर्म होगा यार शीतल जल कह के, क्या पता लोग गर्म पानी ना पिला दें। गाइस देख सकते हैं आपका भाई चल रहा है एकदम बीचों बीच, ट्रेन की पटरी के एकदम बीचों बीच चल रहा है तुम्हारा भाई, यार डरी ना है कुछ बात का भी। तो गाइस चलते हैं अब भाई के घर, थोड़ा ही दूर और रह गया है। ठीक है बट यार पता तुम्हें मुझे अपने घर से ज़्यादा दूसरे घर में जाता है घूमने में, सही बता रहा हूँ। ठीक है अब चलते हैं घर पे, गाइस देख सकते एक भाई की गलती है। ठीक है चलो, ये गाइस हमारे मौसा जी हैं, मौसा जी ये हमारी मौसी जी। ठीक है मौसी जी आए करो,